हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश एनआईएस इंस्टीट्यूट। आज हम होम साइंस का चैप्टर 7 करेंगे, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन की खरीद और भंडारण। ये भी वीडियो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी चेंज पेरिशेबल फूड स्टफ़ इंटू सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड स्टफ। आंसर है वी कैन चेंज ऑफ पेरिशेबल फूड स्टफ इंटू अ सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल वन बाय गिविंग इट सम ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बॉयल मिल्क रेफ्रिजरेट, मतलब फ्रिज में रखना, ठंडा करना, वी कैन कीप इट फॉर अ फ्यू डेज। इफ वी मेक अ मुरब्बा फ्रॉम कैरेट, वी कैन कीप इट फॉर मंथ्स। प्रश्न 1, हम ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों को अर्ध ख़राब या गैर ख़राब होने वाले खाद्य सामग्री में कैसे बदल सकते हैं? उत्तर है, हम नाशपाती खाद्य सामग्री को एक अर्ध नाशनीय या गैर नाशपाती में बदल सकते हैं, जो कि उदाहरण के लिए कुछ उपचार देकर जीता है। यदि हम दूध को उबालते हैं और इसे ठंडा करते हैं तो हम इसे कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। यदि हम गाजर के साथ मुरब्बा बनाते हैं तो हम रख सकते हैं महीनों तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मैनी डेज कैन पेरिशेबल फूड बी स्टोर्ड। आंसर है, पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर 1-2 डेज। हिंदी में, कितने दिनों तक ख़राब भोजन को स्टोर किया जा सकता है? कितने दिनों तक ख़राब भोजन को स्टोर किया, मतलब पेरिशेबल फूड को कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है? नाशपाती खाना, मतलब सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है। नाशपाती खाना कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है? नाशपाती खाना 1-2 दिनों के लिए संग्रहित किया जा सकता है, मतलब स्टोर किया जाता है, बचा के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर हाउ मैनी डेज कैन सेमी पेरिशेबल फूड बी स्टोर्ड। जो मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि कितने दिनों तक जो सेमी पेरिशेबल फूड होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर सम वीक्स टू 1-2 मंथ्स। मतलब जो सेमी पेरिशेबल फूड होते हैं उसे हम 1-2 मंथ्स तक आराम से, मतलब हफ्ते महीना तक हम आराम से रख सकते हैं। वही चीज़ है हिंदी में। प्रश्न 3, कितने दिनों के लिए अर्ध नाशपाती भोजन संग्रहित किया जा सकता है? उत्तर है, अर्ध नाशपाती भोजन को कुछ हफ्तों से 1-2 महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ शेल्फ लाइफ। आंसर है, ईच फूड शेल्फ हैज़ अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर विच इट बिगिंस टू स्पॉइल। इट दिस पीरियड इज़ कॉल्ड शेल्फ लाइफ। मतलब कि शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि मतलब हर खाने की चीज़ जो होती है, जो हम स्टोर करके रखते हैं, मतलब दूध, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, अब हम दूध महीनों भर तो रख नहीं सकते, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एप्पल है, अगर आप एप्पल रखे हो, अब सालों साल तो चलेगा नहीं कि एक एप्पल जो है सालों साल चल रहा है, अगले साल खा लेंगे, 2 साल बाद खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो एप्पल ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसकी एक ख़राब होने की लिमिट, मतलब जो सही रहने का जो टाइम है उसका, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो पुराना होता जाएगा, बासी होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा उसमें भुखरी लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा वो। तो वो जो ख़राब होने का जो टाइम होता है ना, उसे हम कहते हैं शेल्फ़ लाइफ। वही चीज़ हिंदी में है, शेल्फ़ लाइफ क्या है? उत्तर है, प्रत्येक खाद्य शेल्फ की एक विशिष्ट अवधि होती है जिसके बाद यह ख़राब होना शुरू हो जाता है, इस अवधि को शेल्फ लाइफ कहते हैं। वही बात है, सेम चीज़, वही चीज़ हिंदी में भी बताई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनलिस्ट 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टाइम ऑफ परचेज ऑफ फूड आइटम्स। आंसर है,
सीजनली अवेलेबल, जो सीजनली जो हमारे फ्रूट्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं, सीजनली जो अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर फ्रेश व्हेन इन सीजन एंड ऑल्सो चीपर। देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंस इन द कलर एंड द टेस्ट। मतलब कि जो सीजनल चीज़ें होती हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मतलब जैसे आम का, मैंगो का एक टाइम आता है, अब ऐसा तो नहीं है पूरे 12 महीने मैंगो बिकता ही बिकता है, अमरूद बिकता ही बिकता है, लेकिन हमें हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, वो एक असलियत आती है उसमें। जब बाकी जो सीजनल फ्रूट्स जो नहीं होते हैं वो ज़बरदस्ती उगाए जाते हैं, वो चीज़ मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए जब हमारा मतलब फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का जो सीज़न आता है उसी वक्त हमें ख़रीदना चाहिए। वो बजट में भी आता है, सस्ता होता है और सही भी होता है हमारी सेहत के लिए। दूसरा है हार्वेस्ट टाइम। द प्राइस ऑफ राइस, वीट एंड ग्राउंड नट एंड अदर फूड्स विच आर ग्रोन वंस अ ईयर और वंस इन 6 मंथ्स विल बी चीपर ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम देन इन नॉन हार्वेस्ट टाइम। मतलब जैसे कि ये राइस, चावल, गेहूं और मूंगफली वगैरह जो होती हैं, जब ये इनका सीज़न होता है, मतलब जब ये कटती हैं या कट चुकी होती हैं, तब इनका प्राइस जो होता है थोड़ा सस्ता हो जाता है। और तीसरा है टाइम ऑफ द डे। वी बाय मिल्क अर्ली मॉर्निंग बिकॉज इट इज़ फ्रेश। सिमिलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन फ्रेश फ्रॉम ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द डे। मतलब हम जैसे दूध दूध जो लेते हैं कभी भी सुबह क्यों लेते हैं, क्योंकि वो फ्रेश फ्रेश होते हैं, फ्रेश आता है, इसलिए हम सुबह लेते हैं। यही क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों की खरीद करते समय को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को सूचीबद्ध करें। मतलब जो सामान जब हम खरीदते हैं उसके मतलब क्या क्या देखकर हमें खरीदना चाहिए। उत्तर है मौसमी रूप से उपलब्ध, मतलब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जो मौसम में जो जो जिस जिस मौसम में जो जो फल और सब्जियां मिलती हैं, वो फल और सब्जियां ताज़े मौसम में ताज़ी होती हैं और सस्ती भी, रंग और स्वाद में भी अंतर होता है। दूसरा है फसल का समय, चावल, गेहूं और मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत जो कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार उगाई जाती है फसल के समय में, और फिर फसल काटने के समय में सस्ती होगी। तीसरा है दिन का समय, हम सुबह सुबह दूध खरीदते हैं क्योंकि यह ताज़े सुबह सुबह दूध खरीदते हैं क्योंकि यह ताज़े सामान, फल और सब्जियों की रोटी आदि जो दिन के कुछ निश्चित समय के बाद से ताज़ा ताज़े में उपलब्ध है। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब जब मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने 3 साल NIOS में पढ़ाई करी है तो इसलिए मुझे नॉलेज है कि NIOS में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है। तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप चाहें तो, अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आप अच्छे नंबरों से आराम से पास हो सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।